कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। तो दोपहर का अभी बजा हुआ है 1 और अभी मेरे सब्सक्राइबर मेरे भैया हैं वो जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, तो उनका कमेंट आया था कि दी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं आपके ही शहर आया हुआ हूँ तो कैसे मिलूँ आपसे। तो कमेंट द्वारा ही मेरी भैया से बात हो रही थी तो मैंने एड्रेस सेंड किया था, तो भैया आते ही होंगे तो मुझे आज उनसे मिलना है। तो चलिए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, तो हमारे साथ बनी रहिए। न्यू आते हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। तो चलिए बनी रहिए। तो जब मैं नीचे आई तो देखा वो भैया आ चुके थे, तो चलिए मैं उनको कोल्ड ड्रिंक देती हूँ चल के और मिलती हूँ। पहली बार मैं भी मिलूँगी क्योंकि आप लोग तो मुझे देखते हो और मैंने कभी देखा नहीं आपको, बस कमेंट के द्वारा ही हम आपको जानते हैं। तो ये रहे वो भैया जो मेरी वीडियोस देखते हैं और कह रहे थे कि मैं भी खाना खा के आया हूँ, तो मैंने कहा नहीं पी लो भैया, और ख़ास करके अनिका से मिलना चाहते थे वो। तो चलिए देखिए और तो भैया यहाँ पे पापा से खूब सारी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि अंकल हम आपको जानते हैं आप मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं आपको वीडियो में लड्डू बनाते हुए देखता हूँ। वही लड्डू की बातें चल रही थी और बोल रहे थे लड्डू बहुत अच्छे बनाते हो आप अंकल, और तो वही सारी बातें करके सब लोग हंस रहे थे। और बहुत अच्छा लगा भैया हमारे घर पे आए, क्योंकि भैया का 2-3 दिनों से बराबर कमेंट आ रहा था कि मैं अनिका से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वाकई में मतलब भैया मिलना चाहते हैं। और तो मैंने मतलब बोला ठीक है मैं मिल लूँगी भैया आपसे, तो भैया बराबर मतलब पूछ रहे थे आप कहाँ रह रहे हो कहाँ रहते हो, तो मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम भैया चलाते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम के बारे में पूछा नहीं भैया से। फिर मैंने अचानक से ऐसे एड्रेस सेंड कर दिया और भैया उसी एड्रेस पे आ गए। खैर उनको पूछना पड़ा, ज़्यादा लोगों से पूछना पड़ा, और लेकिन भैया 2 बजे हमारे घर पे आ गए थे और अनिका मिली और हम भी मिले, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ज़रूरी नहीं होता है खून के रिश्ते ही हमें खुशी देते हैं, ऐसा नहीं है। खून से बढ़ के दिल का रिश्ता होता है जो हमारा और आप लोगों के साथ में है। आप हमें देखते हो, मुझे सुनते हो, 10 मिनट की वीडियो हो या 20 मिनट की या 15 मिनट की आप लोग सुनते हो, तो एक दिल का रिश्ता ही तो है, एक फैमिली के ही जैसे तो हैं। तभी तो हम आप मेरी बातें सुनते हो, मुझे पसंद करते हो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भैया से मिलके वाकई में। और भैया ना इतने अच्छे थे, इतने हंसमुख हैं, देख लो भैया के फेस पे स्माइल ही रहे और है, और जब तक बैठे ना तब तक बस हंसते ही रहे हैं हम लोग। इतना भैया ने हंसाया और मुझे समझाया भी बहुत, बिल्कुल बड़े भाई की तरह मुझे समझाया और मुझे दीदी बोल रहे थे वो भैया, और बहुत अच्छा लगा मुझे। सच में मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है यहाँ पे, मैं भैया के लिए क्या बोलूँ। बस मैं इतना कहूँगी कि भैया के फेस पे हमेशा इसी तरीके से स्माइल बनी रहे और भाभी भी खुश रहें, बच्चे भी खुश रहें, सब लोग बस, और बहुत मुझे अच्छा लगा सच में। और भैया से मैंने बोला था जब अगली बार आना तो फैमिली को भी लेके आना साथ में, तो फिर भैया कह रहे थे मैं जा रहा हूँ। और नहीं भैया इतना रहने दीजिए, नहीं 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 इतना रहने दीजिए भैया, इतना बहुत है, मामा को इतना वापस कर दो। वैसे तो मैं जाता है इसको लेके आता। अरे नहीं भैया, और अभी इतना उसके बाद आएंगे तो और पैसा देंगे आपको। भैया कुछ बोल दो, भैया मुझसे मिलने आए हैं सीतापुर से। आप जो है दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, दीदी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और आपके सपोर्ट की दीदी को बहुत ज्यादा नीड है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भैया, मन नहीं कर रहा है कि आप जाओ। नहीं दीदी अभी क्या है, आएंगे अच्छे से कपड़े लेके आते हैं, ठीक है। और कुछ चाहिए तो फोन करके बताओ हमको। बिल्कुल।
तो भैया ने अनिका को दिया। मैं नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता इतने सारे रुपए दिए अनिका को, पर अनिका ने बोला कि मुझे मामा देके गए हैं, और भैया ने बोला था अनिका को वाटर पार्क घुमा लाना जाके, तो हम अनिका को ज़रूर लेके जाएंगे वाटर पार्क भैया। और अनिका बहुत ज़्यादा खुश थी, देख सकते हो उनके फेस पे स्माइल, कह रही थी मुझे और मामा मिल गए इतना प्यार करने वाले। तो भैया यहाँ पे अब जा रहे हैं अपने सीतापुर, और उनको 1-1.5 घंटा लग जाएगा सीतापुर जाने में, और दोपहर में इतनी धूप में मुझसे मिलने आए, यहाँ बहुत गर्मी हो रखी है। और क्योंकि पूछते पूछते आए थे, तो वही पापा बता रहे हैं कि इस साइड से जाना और ऐसे सीधे सीधे जाना है, तो वही रूट बता रहे थे भैया को। तो आप लोगों को कैसा लगा? और कहते हैं ना, जिसको मिलना होता है तो वो ढूंढ लेता है, और जिसको नहीं मिलना होता है तो उसके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, भैया जैसे मुझे मुझसे मिलने आए। तो यहाँ पे जा रहे हैं भैया, और मम्मी लोग अभी शादी में जाने वाले थे, तो वही मम्मी रेडी हो रही हैं। और तो चलिए फिर, फ्रेंड भाई भैया तो जा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग। तो चलिए फिर, अभी बने रहिए। अनिका बाय कर लो, तो आइएगा भैया को भी लेके। इधर से चले गए, बहुत अच्छा लगा मिलके। पहली बार लगता ही नहीं है कि पहली बार हम मिले थे, ऐसा लग रहा था कि पहले से कोई रिश्ता है। सच में इतना अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। थैंक यू भैया, आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा। तो गाइस, भैया चले गए हैं, और उनको जाना था, जल्दी में थे इस वजह से, फिर भी आधे घंटे के ऊपर रुके थे। अनिका, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, मन मतलब उदास सा हो गया, भैया चले गए तो मन कर रहा था थोड़ी देर और साथ में रहते। और भैया सीतापुर में रहते हैं और मुंबई में जॉब करते हैं, और बोल रहे थे कि 5-6 महीने से कुछ ऐसे बोल रहे थे, मैं आपको आपका वीडियोस देख रहा हूँ दीदी, और मुझे अच्छे लगे, और मुझे बहुत सारी हिम्मत भी देके गए हैं कि आपको वीक नहीं होना है, स्ट्रांग होना है, स्ट्रांग बनना है, और बस स्ट्रांग बने रहिए, हम लोग हैं आपके साथ में। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भैया, सबने साथ छोड़ दिया लेकिन आप लोग हो मेरे साथ में, बस ये मेरे लिए बहुत है। थैंक यू, और फिर आइएगा और पूरी फैमिली को लेके आइएगा, और बस। तो चलिए, मम्मी लोग जा रही हैं अभी शादी में, तो रेडी हो रही थी, और दोपहर का समय है, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए। वो फ्रॉक ना, उसकी बेल्ट गई है टूट, तो मुझे बेल्ट न्यू या तो मैं अपने हाथों से मशीन से बनाऊंगी, या तो नहीं बिट्टू, गर्मी में नहीं कहीं नहीं जाना है। फिर उसके बाद मम्मी रेडी हो रही हैं, क्योंकि मम्मी जा रही हैं शादी में, और इतनी गर्मी में शादी में जाना एक जंग के बराबर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फिर रात में हम टाइशन को लेके जा रहे थे घुमाने, क्योंकि जैसे बताया मम्मी पापा भाई सब लोग गए हुए थे। इनका टाइशन देखो खा लिया जा रहा है। टाइशु, इनको खींचते हुए लेके जाओ। तो यहाँ वापसी में पूजा लेके जा रही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, टाइशन ने बहुत दौड़ाया मुझे। हम गए थे टाइशन को घुमाने के लिए, क्योंकि पापा और भाई शादी में गए हुए हैं, तो टाइशन हमेशा शाम को भाई के साथ में टहलने जाता है, तो पापा ने फ़ोन किया कि इसको टहला के लेके आओ। मैं इतने सालों में पहली बार टाइशन को लेके गई हूँ, मैं कभी नहीं लेके जाती, मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगता है, लेकिन इतने प्यार से टाइशन मेरे साथ में गया है, लग ही नहीं रहा था कि मैं इसको फर्स्ट बारी लेके जा रही हूँ। आराम आराम से गया है, घूम घुमा के आ गया। चलिए, यहाँ पे हो गया अंधेरा, अभी रास्ते में पड़ेगा, फिर मिलती हूँ घर पहुँच के।
फिर घर आए तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और तो वही मैंने शूट किया क्योंकि बच्चों को देख के ना अपना बचपन बहुत ज़्यादा याद आता है। कभी हम लोग भी ऐसे ही खेला करते थे, है ना। ये कौन कौन खेलता था, लाल लाल डोरा, जंजन कटोरा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताना, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भैया आप जो देख रहे हो आज का ब्लॉग तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करिए।